नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड इज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, आपको पिछली कड़ी से जोड़ देते हैं। हमने देखे कि ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बुद्ध और उनका धम्म के तृतीय कांड के पांचवें भाग में जो लिखा है, वो एक छोटा शीर्षक दिया है उन्होंने इस अध्याय को, और वो है कि संसार को धम्म राज्य बनाना ये सद्धम्म का कार्य है। तो सद्धम्म क्या कार्य करता है? वे लोग जो बाबा साहेब की एक जो घोषणा है, प्रतिज्ञा है, जिसे लोग बार बार दोहराते हैं कि हम भारत को बुद्धमय बनाएंगे, ये जो कहते हैं, या फिर प्रबुद्ध भारत का निर्माण हमें करना है, तो उसमें बाबा साहेब की जो सोच है प्रबुद्ध भारत वाली या फिर बुद्धमय बनाने वाली, उस सोच को क्रियान्वयन की ओर अगर लेकर जाना है, तो ये जो अध्याय है, ये अध्याय बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय है। तो देखिए बाबा साहेब इसमें लिखते हैं, हमने पिछली कड़ी में देखा कि एक आदमी दूसरे आदमी के साथ जब अनुचित व्यवहार करता है, तो उस अनुचित व्यवहार से ही, उसी में से मनुष्य के जीवन में दुख पैदा होता है। उसके आगे बाबा साहेब लिखते हैं कि, और ये तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर लिखते हैं, वे लिखते हैं कि जब आदमी का आदमी के प्रति अनुचित व्यवहार होता है, वो व्यवहार जब उचित नहीं होता, तो उसका नाश केवल धम्म के द्वारा ही किया जा सकता है। वो जो अनुचितता है उसका नाश, और फिर उससे जो उत्पन्न दुख है, उस दुख का विनाश भी धम्म के द्वारा ही किया जा सकता है। ये बाबा साहेब लिखते हैं बुद्ध और उनका धम्म में। उसके आगे बाबा साहेब लिखते हैं कि इसीलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि धम्म का काम केवल उपदेश देना नहीं है। देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो बाबा साहेब लिखते हैं, और वो सबको एड्रेस करते हुए लिखते हैं कि इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि धम्म का काम केवल उपदेश देना नहीं, बल्कि जैसे भी हो आदमी के मन में ये बात जमाना है कि सर्वोपरि आवश्यकता है सदाचारी बनने की, मतलब अपने आचरण को दुरुस्त करने की। यानी कि जैसा हमने पिछली कड़ी में देखे कि बाबा साहेब इस बात को बड़े आग्रही होकर समझाते हैं कि आदमी को सदाचारी होने का मतलब कि वो पंचशीलों में आरूढ़ हो जाए, यानी कि शिलाचरण करें। दूसरी बात कि वो सम्यक मार्ग जो है, जिसे मिडल वे कहा जाता है, उसका वो अनुसरण करें, उसका अभ्यास करें और हमेशा उस पे बने रहे, और पारमिताओं का अभ्यास करें। ये जो पारमिताओं की प्रैक्टिसिंग है, ये प्रैक्टिसिंग मनुष्य को सदाचारी बना देती है। तो देखिए बाबा साहेब कहते हैं कि जरूरत है तो सर्वोपरि मनुष्य के सदाचारी बनने की। आगे लिखते हैं कि लोगों में सदाचार की भावना भरने के लिए धम्म के लिए आवश्यक है कि वो कुछ दूसरे कार्य भी करें, और इसके साथ जुड़े हुए दूसरे कार्यों की बात बाबा साहेब कर रहे हैं। और वो दूसरे कार्य क्या हैं? तो धम्म को ये शिक्षा देनी चाहिए कि आदमी जान सके कि कुशल कर्म कौन सा होता है, और उस कुशल कर्म को वो कर सके। तो धम्म का काम ये है कि वो लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करे कि वे कुशल कर्म करें, उनका जो कार्य है वो कुशल हो, अच्छा हो, और अच्छे कार्य करने के प्रति उन्हें प्रेरित करें। दूसरी बात में कहते हैं कि धर्म को ये शिक्षा भी देनी चाहिए, यदि धर्म ये शिक्षा दें कि आदमी जान सके कि अकुशल क्या है
और वो उससे बच सके। एक बात, कुशल कर्म करने के लिए प्रेरित करें और अकुशल कर्म करने से बचे कैसे, वो बचा उसको बचाया जा सके, वो दूर रह सके, वो बच सके, ये शिक्षा भी धम्म ने देनी चाहिए। फिर धम्म के इन दो कामों के अतिरिक्त जो धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके लिए एक और एड्रेस करते हैं कि धर्म को क्या करना चाहिए। तो धर्म को इन दो कामों के अतिरिक्त तथागत बुद्ध ने धम्म के दूसरे भी काम बताए हैं जिन्हें वे बहुत महत्वपूर्ण समझते थे। तो वो कौन से महत्वपूर्ण काम है? एक पहला यह है कि आदमी के स्वभाव और उसकी प्रवृत्तियों की ट्रेनिंग। मनुष्य का जो स्वभाव है और उसकी जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां है, उसकी जो टेंडेंसी है, उस टेंडेंसी को एक ट्रेनिंग देना होगा। यह प्रार्थना करने से भिन्न प्रक्रिया है, बड़े स्पष्ट रूप से बाबा साहेब लिखते हैं और तथागत की शिक्षाओं के हवाले से लिखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया जो है ये प्रार्थना करने से अलग है। ये मन को ट्रेनिंग देना मतलब प्रार्थना करना नहीं है। बहुत सारे लोग ये मान के चलते हैं कि पूजा पाठ कर लिए, प्रार्थना कर लिए, वंदना कर लिए तो बस काम हो गया, और बहुत सारे लोग इसी को धम्म का काम समझते हैं। बहुत सारे लोगों से जब पूछा जाता है कि भाई आप क्या करते हैं, तो फिर वे कहते हैं कि हम अपने जीवन यापन को करने के अतिरिक्त धम्म कार्य में लगे रहते हैं। तो ये धम्म कार्य मतलब क्या है? तो फिर वे कहते हैं कि हम सब इकट्ठा होते हैं, बुद्ध विहार में जाते हैं, वहां बुद्ध वंदना करते हैं। इसके अतिरिक्त है, बाबा साहब कहते हैं कि ये जो ट्रेनिंग है मन के प्रवृत्तियों की, ये प्रार्थना करने से बिल्कुल भिन्न प्रक्रिया है। ये व्रत आदि रखने से भी भिन्न प्रक्रिया है। बहुत सारे लोग ये भी कहते सुनते मिल जाते हैं कि वे क्या करते हैं, तो भाई उनका उपोसत है, उनका उपवास है, तो जो भूखे रहना है, इस भूखे रहने की प्रक्रिया को ही वे धम्म कार्य मान बैठते हैं। तो ये व्रत आदि रखने से भी भिन्न प्रक्रिया है, और ये यज्ञ बलि से तो बिल्कुल ही भिन्न प्रक्रिया है। यज्ञों में जो धर्म के नाम पर लोग बलि देते हैं वो इससे तो बहुत ही अलग प्रक्रिया है। अब ये देवदह सूत है, बौद्ध साहित्य में मिलता है देवदह सूत, इसकी चर्चा यहां पर हो रही है। इस देवदह सूत में जैन धर्म की चर्चा करते हुए तथागत बुद्ध ने ये बात स्पष्ट की है। ये बात जो है वो देवदह सूत में मिलती है। तो जैन धर्म के संस्थापक माने जाने वाले तीर्थंकर महावीर का कहना था कि व्यक्ति जो कुछ भी दुख या सुख अनुभव करता है ये सब उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। ये मान्यता हमारे यहाँ बहुत आयत में प्रचलित है कि इस वक्त तुम्हारे सामने जो कुछ है, तुम्हारे साथ जो कुछ घटित हो रहा है, ये तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल है, तुम्हारे पूर्व जन्म का फल है, और पूर्व जन्म का फल होने के कारण वो इस जन्म में तो भुगतना ही पड़ेगा, ये मजबूरी हो जाती है, और इसमें बदलाव की कोई संभावना नहीं है। ये भी कहा जाता है, जब वर्ण व्यवस्था को बहुत मजबूती से इस समाज व्यवस्था का हिस्सा बनाया गया तो ये बड़ी मजबूती से सिखाया समझाया गया कि जिसका जन्म वह जहाँ हुआ है वो जन्म उसके पूर्व जन्म का फल है। तथागत ये बात बड़ी गंभीरता से समझा रहे हैं। जो लोग इस बात को, मतलब पुनर्जन्म वाली बात को, पूर्व जन्म के कर्मों वाली बात को, उसके फल वाली बात को ठीक मान लेते हैं, उन लोगों के लिए ये बात समझा रहे हैं। देखिए, ऐसा होने पर, यानी कि ये उसके पूर्व जन्मों का कर्मों का परिणाम होता है, ऐसा होने पर पूर्व जन्म के दुष्कर्मों की निर्जरा हो जाने से और नए दुष्कर्म ना करने से भविष्य के लिए कुछ संग्रह नहीं होता। जब भविष्य के लिए कुछ संग्रह नहीं होता तो दुष्कर्मों का क्षय हो जाता है। जब दुष्कर्मों का क्षय हो जाता है तो दुख का क्षय हो जाता है, और जब दुख का क्षय हो जाता है तो सुख दुख अनुभव करने की शक्ति उसका क्षय हो जाता है, और जब वेदना का क्षय हो जाता है तो सारे दुख का मूलोच्छेद हो जाता है। ये ही निगंठनाथ की शिक्षा थी, यानी कि जैन धर्म की शिक्षा थी। फिर एक बार आपको पढ़कर सुनाते हैं। ये देखिए,
पूर्व जन्म के दुष्कर्म की निर्जरा हो जाने से, मतलब उसके प्रति पश्चाताप करो, उसके लिए अपनी काया को क्लेश दो, और नए दुष्कर्म ना करने से भविष्य के लिए कुछ संग्रह नहीं होता, कोई संग्रह नहीं होता, ऐसी इनकी मान्यता है। और फिर जब भविष्य के लिए कुछ संग्रह नहीं होता तो फिर दुष्कर्मों का क्षय हो जाता है, ये निघंटनाथ मानते थे। फिर उसके आगे देखिएगा कि जब दुख का क्षय हो जाता है तो सुख दुख अनुभव करने वाली जो शक्ति है, मतलब जिसे हम वेदना कहते हैं, सुखद भी हो सकती है दुखद भी हो सकती है, जिसे हम वेदना कहते हैं, वो वेदना का ही क्षय हो जाता है और फिर सारे दुखों का मूलोच्छेद हो जाता है, ये मानना था जैन तीर्थंकरों का, यानी कि निघंटनाथ का। तो देखिए इस पर तथागत ने एक प्रश्न किया। अब तथागत का प्रश्न क्या है? तथागत प्रश्न करते हैं कि क्या तुम जानते हो कि यहां ही और अब ही अकुशल प्रवृत्तियों का मूलोच्छेद हो गया और कुशल प्रवृत्ति की स्थापना हो गई? बड़ा साधारण सा और बड़ा सामान्य सा प्रश्न है, क्या तुम जानते हो, बता सकते हो कि बस यही वो क्षण है, यही वो वक्त है, यही वो स्थिति है जब तुम्हारे सारे दुखमूलक प्रवृत्तियां जो है वो निकल गई, यहां दुखों का अंत हो गया, यहां सारा अकुशल गिर गया, अकुशल अभी तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं बचा और यहीं से कुशल का जन्म हुआ है। क्या आप बता सकते हैं सच क्या है? सच यह है कि कुशल और अकुशल ये दोनों हमारे मन में होते हैं। हम किसे बढ़ावा देते हैं, हम किसे आगे लेकर चलते हैं और किसके संग प्रैक्टिस करते हैं, अकुशल कहीं दूसरी तरफ से नहीं आता है। जैसे कि संसार में अंधेरा और उजाला होता ही है, जैसे धूप और छांव होती ही है, बिल्कुल वैसे ही कुशल और अकुशल यह हमारे साथ ही होता है, हमारे पास ही होता है। हम अकुशल को बढ़ावा दे रहे या कुशल को बढ़ावा दे रहे, यह हम पर निर्भर करता है। और इसलिए तथागत का यह प्रश्न है कि क्या तुम बता सकते हो कि यह वो स्थिति है? वे निघंटनाथ से पूछ रहे, उनकी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने वाले उन लोगों से पूछ रहे हैं कि बताइए, क्या आप बता सकते हैं कि ये यहाँ इस स्थिति में इस वक्त में ये अकुशल अब खत्म हो गया और अब कुशल का जन्म हो गया, क्या आप बता सकते हैं? तो इसका उत्तर था नहीं। इसके बाद तथागत बुद्ध ने आपत्ति की, और ये आपत्ति तथागत बुद्ध की बड़ी महत्वपूर्ण आपत्ति है और बड़ी गंभीरता से तथागत ये बात पूछ रहे हैं, क्योंकि ये जीवन जीने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जहां लोग अपनी काया को क्लेश देते चले जा रहे हैं और ये मान रहे हैं कि इससे दुखों का अंत होगा, और जो संभव नहीं है, क्योंकि दुखों का अंत काया को क्लेश देने से नहीं हो सकता, बल्कि वो जो मूल प्रवृत्तियां है जहां से अकुशल आ रहा है, उस अकुशल के प्रैक्टिसिंग में आने की प्रक्रिया को रोक देना, उसको खत्म करना, उससे किनारा कर लेना, ये उसका उपचार होता है। तो इस पूरी बातचीत को हम लोग लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहां हमें रुकना होगा क्योंकि ये वक्त पूरा होता है। तो वादा करते हैं आपसे कि अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी, तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।